गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों को नया गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों को नया लेसन सेवन है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये आपका नया लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए सूक्ष्म जीव विज्ञान होता क्या चीज़ है और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। ऐसे जीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसे जीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव वो होते हैं, ऐसे जीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जैसे प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, शैवाल तथा कवक को सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मतलब सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत किसको किसको सम्मिलित किया जाता है, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, शैवाल तथा कवक को सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इनका अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। इनका अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। और एंटोनी वान लुवेनहाक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान लुवेनहाक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब माइक्रोबायोलॉजी का पितामह या जनक कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, एंटोनी वान लुवेनहाक। इन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान रोगों के संचरण के अतिरिक्त अनेक लाभदायक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, जो कि निम्न हैं। सबसे पहला है हमारा घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव कैसे क्या कारक होता है उसका। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग औद्योगिक रूप से खाद्य पदार्थों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका होगा लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, मतलब एक प्रकार के आपके जीवाणु होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का उपयोग किसमें होता है, ये दही में और पनीर निर्माण में किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए पनीर और दही निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। दो जीवाणु होते हैं जो दही और पनीर में, दो विषाणु होते हैं जो दही और पनीर में इनका उपयोग किया जाता है। इनसे आपकी जो विटामिन मिलती है उनमें विटामिन 12 की मात्रा में वृद्धि होती है। ओके बेटा, थैंक यू। आगे मैं आपको औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव और कवक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा।